होपफुली वहाँ पे कोई कैंपर्स ना हो जो कि कैंप कर रहे होंगे, तो पूरा फंसेगा ना। पर ये इतनी चीज है, आप जाके सेल कर सकते हो। अगर आपको डाउट है कि आप मरोगे तो लूट बॉक्स में डाल देना, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। जो भी महंगी चीज है तो एटलीस्ट वो चीजें जो है सेफ हो जाएंगी। यू आर राइट ब्रो। What is going on, everybody? Welcome back, guys, to the channel. And ये video में, guys, मैं आपको एक new चीज दिखाने वाला हूँ related to Metro Royale है. And यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, मैंने Metro Royale में connect हो चुका हूँ. तो ये जो video है, of course, जैसे आपने title thumbnail में देख लिया है, ये है related about the secret room. तो अभी I know मैं बहुत late हूँ इस चीज के बारे में, but अभी जैसे आपको पता है यार, बहुत सारी न्यू चीजें stuff आ रही है PUBG PC से भी related, तो इसलिए जरा समय लगा ये video बनाने के लिए. And also एक specific reason भी था. तो अभी अगर मैं जाता हूँ guys loadout में, तो मैं दिखाता हूँ आपको. And yeah, मेरे inventory में कुछ बहुत ही ज्यादा कचरा भर चुका है, तो यह मुझे साफ करना पड़ेगा. बट यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ नीचे, ओ बाय बाय बाय, इतने सारे लेवल 2 के कुछ चीजें हैं. तो यहाँ पे गाइस ये सेक्शन में आप देख सकते हो, ये दो जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मुझे ये वाला मिला था, जो पासवर्ड लेटर रेड वाला है, तो ये मिला था. इसकी मैंने क्लिप रिकॉर्ड की है कि मुझे कैसे मिला. ऑफ कोर्स जो नॉर्मल क्रेट्स होते हैं 5 सेकंड के जो आपको खोलने होते हैं, ये उसमें से ही मुझे मिला है. बट ये देख सकते हो, ये जो है ये रेड कुछ तो है, एंड ये काम आता है सेकंड मैप में, जो कि ओल्ड ब्लॉकेड जोन है. एंड सेकंड मैप गाइस मैंने बहुत ट्राई किया कनेक्ट होने का, लेकिन भाई मतलब समझ सकते हैं, ग्लोबल बेटा में कनेक्ट नहीं होती चीजें, लेकिन ग्लोबल वर्जन में भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ. तो मतलब इसलिए जो है ये वीडियो भी डिले हो गई, क्योंकि मैं बहुत टाइम रिकॉर्डिंग के लिए बैठ रहा था कनेक्ट होने के लिए, बट लेकिन मैच कनेक्ट ही नहीं हुई. बट आज सुबह गाइस मुझे एक और चीज मिली, जो कि ये पासवर्ड लेटर वाइट. तो ये वाइट जो है, ये जो फर्स्ट मैप है उसमें हम ये ओपन कर सकते हैं, जो कि फ्रंटलाइन कॉन्फ्रंटेशन कुछ तो मैप का नाम है. एंड वहाँ पे गाइस ट्राइब करके एक लोकेशन है, तो वहाँ पे एक सीक्रेट रूम है, एंड ये जो है ये वहाँ पे काम आएगा. तो अभी गाइस ये जाते हैं, एंड ये हम इक्विप करते हैं. तो बैग में तो डाल दी मैंने, एंड या आई थिंक लॉक बॉक्स में डाल देता हूँ. पता नहीं लॉक बॉक्स कैसे काम करता है. विल प्रोटेक्ट योर आर्टिकल इन योर लॉस्ट बैटल. ओके, तो ये बहुत ही काम की चीज है. तो प्रॉब्ली अगर आपको भी ये मिला ना, तो लॉक बॉक्स में डाल देना, क्योंकि अगर आपको किसी ने मारा तो एटलीस्ट आपका ये जो है ये बहुत काम की चीज है, ये रह जाएगी. एंड अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या वर्थ है आपको सीक्रेट रूम खोलना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही इसे बेचोगे तो आपको 30,000 मिलता है गाइस. एंड 30,000 इट्स अ रियली ह्यूज थिंग. बाकी चीजें बहुत ही कम लाइक मेट्रो करेंसी में बेची जाती है, बट ये जो है ये बहुत ही हाई वैल्यू है. आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपने राइट अवे यहाँ पे सेल किया तो आपको 30,000 मिलेंगे. एंड आई थिंक अंडरकवर मोड में जाऊंगा, क्योंकि आपको इजीली दिखा पाऊंगा, क्योंकि जो बॉट्स होते हैं वो मुझे मारेंगे नहीं. तो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग, राइट. तब तक पहुंचने तक मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ जहाँ पे मुझे वो आई थिंक रेड वाला या रेड लेटर जो है कहाँ से मिला. मुझे वो आई थिंक पुलिस डिपार्टमेंट में मिला, यही मैप में. लेकिन वो अगर आपको ओपन करना है तो वो नेक्स्ट मैप के जाना पड़ेगा. तब तक आप वो क्लिप देख लेना. जस्ट नॉर्मल है, आपको नॉर्मल क्रेट्स में ही मिलेगी ये सब चीज़ें. एक बार मैं वहाँ पे पहुंच जाता हूँ ट्राइब में. अभी ट्राइब में भी वो एक्चुअल में लोकेशन है कहाँ पे मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो देखते हैं वहाँ पे पहुंचने के बाद मैं आपको बताता हूँ. तो यहाँ पे जो क्रेट्स है वो भी ओपन कर लेते हैं. ऐसे भी सुना है कि कुछ तो एक गोल्ड बार मिलता है, जो कि बहुत ही हाई वैल्यू है, लिटरली 200K कुछ तो उसकी वैल्यू है जब आप उसे सेल करते हो. तो मुझे तो कभी मिला नहीं है, मैंने बहुत ट्राई किया. डेफिनेटली बताना आपको मिला है या नहीं, देखूंगा. अगर मिला तो मैं भी उसकी वीडियो आपको बता दूंगा. उसकी कुछ लोकेशन तो एग्जैक्ट है नहीं, बहुत ही रैंडम एंड रेयर है, काइंड ऑफ मिथिक आइटम उसे कह सकते हो. सो यहाँ पे गाइस अभी आप देख सकते हो मेरी वैल्यू जो है बैक की 44,000 है. तो अभी देखते हैं ओपन करने के बाद अंदर हमें कुछ हाई वैल्यू चीज मिलती है या नहीं. तो ओ भाई ये क्या था, आई थिंक मेरे बैग में है कहीं पे तो लॉक बॉक्स. वेट व्हाट, ओके आई थिंक अभी अंडरकवर मोड में ये चीज नहीं आने वाली है, पता नहीं, क्योंकि मेरे लॉक बॉक्स में ये चीज थी. ओके दैट्स प्रीटी स्ट्रेंज. एंड या मतलब पछताई हो गया, मुझे नॉर्मल मोड ही खेलना पड़ेगा इसके लिए. ओके तो यहाँ पे पहुंच गया हूँ मैं ऑलमोस्ट जोन. अबे बंदे, तो मेरे टीममेट्स को आई थिंक मार दिया, पता नहीं कौन से लोकेशन पे, या उसको फिनिश ही कर दिया. पर यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये कुछ तो लोकेशन है. तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है सीक्रेट डोर है. एंड अभी आई थिंक होपफुली मुझे ओपन करने का मौका मिलेगा. तो लूट बॉक्स में जो है पासवर्ड लेटर वाइट करके है, तो एक बार ओपन कर लिया. यहाँ पे कुछ नहीं है. तो अभी जो मेरी लोड आउट की वैल्यू है या फिर नॉर्मल जो वैल्यू है वो 43,000 है. तो ओपन कर देता हूँ. एंड देख सकते हो अभी ओपन का ऑप्शन आ गया, तो ओपन कर लेते हैं. एंड यस, तो आप इसे अभी क्लोज नहीं कर सकते. तो यहाँ पे आई थिंक या 3 क्रेट्स आपको मिलते हैं. तो अभी जो वैल्यू है मेरी
वो कम हो गई क्योंकि मैंने जो लेटर जो यू नो 30,000 का वैल्यू था वो यूज़ हो गया है, तो अभी जो है 13,000 है, 13,300 के आसपास। तो अभी देखते हैं यू नो लाइक कितनी चीज़ें मैं यहाँ से लेके जाता हूँ। तो वॉच कुछ तो मिल गई, डीजल मिल गया लाइक 44,000 के, देखते 44,000 के अगर ऊपर चली गई वैल्यू तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल है, अदरवाइज आप ऐसे ही बेच देना। ओके, तो यहाँ का ओपन हो गया। तो सेम यहाँ पे कुछ यू नो एक्स्ट्रा या फिर रेयर चीज़ तो मिली नहीं है, तो यहाँ पे एक और बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या मिला है। एंड लास्ट है तो बस तीन ही मिलते हैं। एंड ओके, तो यहाँ पे या मोस्टली आई थिंक 5,000 की चीज़ें ही मिली, यू नो कहते ना जैसे कि वाटर प्योरीफायर वगैरह जो 15,000 की चीज़ें होती है वो तो अवेलेबल है नहीं। एंड यहाँ पे हो गए मतलब बाहर निकलते ही बॉट्स जो है एकदम एक्यूरेट हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ें मिली, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक 10,000 का कुछ तो प्रॉफिट हुआ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे बॉट्स जो है तो बहुत ही ज़्यादा है, विन 94 वाला जो है वहाँ पे वो बहुत ही लाइक एक्यूरेट है एंड डैमेज भी बहुत करता है क्योंकि विन 94 है। तो इसे अच्छा है कि भाग जाओ, अभी जैसे मैंने आपको दिखाई दिया कि क्या आपको चीज़ें वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। कभी कभी यू नो लाइक अगर कोई अलग लोकेशन हुई तो क्या कह सकते हैं आपको कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल सकती है, बट अभी जैसे मैंने आपको दिखाया ट्राइब की जो लोकेशन है वहाँ पे आपको तीन क्रेट्स मिलते हैं एंड उन तीन क्रेट्स के अंदर मोस्टली आपको 5,000 की चीज़ें ही मिलेंगी जो कि आप यू नो बेच सकते हो जाके। तो अभी अगर मैं आपको बैग दिखाता हूँ तो बैकपैक में देख सकते हो लाइक दो आई थिंक मिलिट्री वॉच, उसके बाद कार की एंड देन ये कुछ तो मिला मेट्रो, तो ये मुझे कुछ पता नहीं या कहीं पे यूज़ तो होता नहीं है वो। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो गैस बॉटल है, डीजल है एंड जो टीम मेट है ओके तो वो मर गया वहाँ पे। तो देखते हैं अभी रिटर्न पॉइंट पे जाते हैं, होपफुली वहाँ पे कोई कैंपर्स ना हो जो कि कैंप कर रहे होंगे। पर ये इतनी चीज़ है आप जाके सेल कर सकते हो, अगर आपको डाउट है कि आप मरोगे तो लूट बॉक्स में डाल देना जो भी महंगी चीज़ है, तो एटलीस्ट वो चीज़ें जो है सेफ हो जाएंगी। तो लूट बॉक्स की आई थिंक वैल्यू या 20 या लूट बॉक्स की मैक्सिमम 36 तक पहुंच चुकी है। ओके अवेलेबल है, यहाँ पे भी कुछ क्रेट्स है जो कि ओपन है, तो प्रॉब्ली आगे एनिमीज हमें देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे देख सकते हो कोई कोई जो यू नो लाइक एग्जिट पॉइंट है बहुत ही ओपन में है, संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे जन कैंप्स भी करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई कोई लेट कर यू नो वेट करता है बाकी के एनिमीज के आने का ताकि वो आपको मार कर यू नो लूट ले सब कुछ। तो अभी रिटर्न कर देते हैं। बट यही था गाइस जो सीक्रेट रूम है, बहुत सारे लोग आप यू नो बोल रहे थे कि वो ओपन कैसे करते हैं, तो आपको एक लेटर की ज़रूरत पड़ती है एंड वो लेटर आपको नॉर्मल यू नो जो बॉक्स आप ओपन करते हो उसमें मिल जाएगा। एंड उसके अंदर जो आपको चीज़ मिली है मैंने दिखा दी, कभी कभी यू नो जो कोई कोई रूम्स है उसके अंदर 4 क्रेट्स हो सकते हैं, बट इसमें जो है जो ट्राइब के पास थी उसमें आई थिंक बस 3 ही क्रेट्स थे। एंड अभी अगर मैं सेल करता हूँ आई थिंक ये मिला हमें, उसके बाद ये भी एंड लूट बॉक्स में ये जो चीज़ें मैंने डाली थी वो, तो या 31,800 की। बट अगर आप ऐसे ही उसे सेल करते हो तो आई थिंक 30,000 में जाता है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये एक ऑलरेडी है, तो ये सेकंड मैप में यू नो यूज़ होगा, तो सेकंड मैप लाइक कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है। बट जो भी है गाइस इतना ही आपको चीज़ दिखानी थी, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड जरूर बताना आपको कौन सा लेटर मिला। बहुत सारे लेटर्स के कलर्स है, ये रेड है जो मैंने अभी यूज़ किया वो वाइट था, तो और भी है बट यू नो डिफरेंट लोकेशंस के। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली लाइक करना, ज़रूर बताना आपको कौन सा लेटर मिला या फिर वो जो गोल्ड बार है बहुत ही मिथिक आइटम वो भी अगर मिला तो डेफिनेटली मुझे यू नो पिंग करना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के टैग कर सकते हो। सो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.